आपने शूज पहने हुए हैं, सॉक्स ही पहनी हुई है अकेली, बस सब्जी लेने जा रहे हो शवेज काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाना शवेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। आज का व्लॉग फिर हम पार्सल से करेंगे, अभी अभी मैं पार्सल लेके कर रहा था, मैंने कहा चैलेंज ओपन करने लग रहा है तो साथ इसको व्लॉग में शामिल कर देते हैं। तो चैलेंज जस्ट स्टार्ट, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमने क्या मंगवाया है। तो सबसे पहले तो ये एक छोटा सा पार्सल है, ये ऑलरेडी खोला हुआ, अभी मैंने खोल लिया था। इसके अंदर जी शवेज के लिए हमने ब्रश मंगवाया, ये टीथ ब्रश है, ये गोल गोल है, ये दांतों को साफ करने के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए बड़ा मजे का इजी है, ये सॉफ्ट सा होता है, बस इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाएं और ये बस उसके ऊपर यहाँ से ऐसे बाइट करेगा और यहाँ से ऐसे घुमाना है इसके अंदर। ऑलरेडी शवेज के लिए छोटे ब्रश भी लेके आए थे और वो जो उंगली के ऊपर चढ़ा आगे करते हैं वो वाला भी हम लेके आए थे, अब फिर ये भी लेके आए, लेकिन ये कि शवेज ब्रश नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है इसको ब्रश करवाना। हम डिफरेंट तरीके ट्राई कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ये ब्रश करना शुरू कर दें। वो देखो नारे लगा रहा पीछे के बैठ के, मेरी शिकायतें हो रही नहीं, आपकी शिकायतें नहीं हो। सब पार्सल थोड़ा सा माशाल्लाह से बड़ा है, इसको जरा डिटेल से देखना पड़ेगा। तो लेट्स ओपन, ये भैया से गिफ्ट आया, ये चाइना से आया जी, तो ये इम्पोर्टेड गिफ्ट है हमारे। ये बढ़िया आ चुका है हमारा सामान, मंगवाया वैसे दराज वालों में था, लेकिन ये इम्पोर्टर जो है ना कोई बाहर से ही है, उसने बाहर से भेजा है। तो दुआ करें सही सलामत पहुँचा हो, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा धक्के खाए होंगे पाकिस्तान पहुँचते पहुँचने के लिए। ये देखें जी खुल गया, और ये एक पाइप निकला, ये स्विच, और मेन चीज़ तो ये है, ये है जी एक वैक्यूम क्लीनर। छोटा है, हाँ वैसे मैं जब देखा था बड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन ये आया तो ये छोटा सा आया, पिक्चर में वहाँ पे बड़ा लग रहा था, काफी बड़ा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये काम करेगा, लेकिन ये कि यहाँ पहुंचा तो ये छोटी आइटम निकली है, बहुत बड़ी नहीं है। लेट्स सी, मे भी हो सकता है कि ये थोड़ा इफेक्टिव हो। बेसिकली ये मैंने गाड़ी के लिए मंगवाया था, कि उस गाड़ी की अंदर से जो क्लीनिंग है ना वो जरा मुश्किल होती है, तो वैक्यूम क्लीनर हो तो वो जरा अंदर से डस्ट वगैरह जो है और पार्टिकल वगैरह जो है ना वो आसानी से अंदर से निकाल लेते। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखें तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी लग रही है, कोई इतनी हल्की नहीं है। ये इसका सामने वाली नॉब सी है, ये फिल्टर लगा हुआ, ये तो यहाँ पे इसका फिट होना ही होना है, ये ऐसे होगा सामने से, इसका पाइप कैसे लगता है, ये ऐसे पाइप लग जाएगा, अगर इसको लेंथ वगैरह लॉन्ग करना है तो ये पाइप लग जाएगा। और ये दूसरा ब्रश है, ये हाँ ये भी ऐसे लग जाता है, और ये एक नॉब सी है, ये भी मेरे ख्याल में ऐसे फिट होती है इस कसम, इसका यहाँ से लॉक नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि ये लॉक जो है ना नीचे प्रेस हो गया और ये आगे इसके टिक नहीं रहा। प्राइस की बात करें तो ये जी 3000 का मिला है जी दराज। वैसे आप ऐसा ऐसा जो है ना पता चल गया कि अंदर जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगवानी चाहिए। जब आप वेबसाइट पे देखते हैं तो कुछ और नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आती है घर तो कुछ और ही निकलता है। चलो नहीं, अब आ गया है, ट्राई करते हैं, अच्छा निकला तो ठीक है, नहीं तो फिर रिटर्न करने की कोशिश करेंगे, रिटर्न होता है या नहीं। एक मजे की बात है, जितनी प्रोडक्ट नहीं है जितनी उन्होंने साफ रैपिंग भेज दी है। चेक कर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू व्लॉग, आज आज जी सैटरडे। अच्छा जी, आज एक नया कारण ये हुआ कि शवेद ने मोबाइल नीचे फेंका और इसको खराब कर दिया। ये वैसे ऑन हो रहा है लेकिन इसका जो टच है वो नहीं काम कर रहा, इसका जो टच वाली लाइन है वो मुझे लगता है खराब हो गई, इसका ऊपर वाला जो शीशा है वो भी टूट गया। अभी जाना है इसको चेक करवाना है कि इसका ये सारा जो है टच नया डलेगा या फिर नया मोबाइल लेना पड़ेगा। शॉप पे ले जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि वो क्या कहता है, ये ठीक हो जाएगा या नया लेना पड़ेगा या इसका जो है पैनल चेंज कराना पड़ेगा। ये सिर्फ इसका टच ही नहीं खराब हुआ, ये देखें ये सारा खुल भी गया, ये देखें दो हिस्से भी हो गया माशाल्लाह से। शवेज के हाथ में मोबाइल आ जाए तो उसके मर्जी के मुताबिक ना चले तो उसको गुस्सा आता है, तो फिर उठा के नीचे फेंकता, इसके साथ भी ऐसे किया और इसके दो टुकड़े हो गए माशाल्लाह से। ये बैठे हैं कि मोबाइल तोड़ने वाले साहब, ये देख लें सामने, देख लें आपके सामने बैठा हुआ वाला चौधरी साहब थे ना, वो भी जाके पहले सोए हुए थे तो साइड पे थे, आप जाके हमने कहा चले आपको भी दिखा दें कि ये आप कैसे कारनामे करते हैं, ये देखा आपने मोबाइल तोड़ दिया, हमने बता दिया। तो ये मोबाइल लेके हम लोग जाकर के देते हैं और उनके एक्सप्रेशन चेक करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन है। पहुंच गए, पहुंच ये ले, ओ शवेज आ गए, किधर जा रहे हो फिर, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप किसी काम से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये तो भाई चौधरी साहब कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं भाई, चलो आज वापस चले, आज वापस चले,
ठंड है भाई, बहुत ठंड है। मोबाइल में लेके आ गया हूँ, तो अभी बुलाते हैं सुरेश की मम्मा को, उनको मोबाइल गिफ्ट करते हैं। आज जो है ना बहुत कीमती मोबाइल उनको देने जा रहे हैं गिफ्ट में, तो उनको बुलाते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं और उनके एक्सप्रेशन चेक करते हैं। जूते पॉलिश करने बैठ गए शवेर, अब मोचियों वाला काम शुरू कर लिया शवेर जी, अभी मोची बन गया। कॉबलर मेंड माई शूज, छोटा सा कॉबलर है, जूते मुरम्मत करने बैठ गए। पॉलिश करो, अच्छी तरह पॉलिश करो, अच्छे से पॉलिश करो जरा इनको। आपके लिए गिफ्ट लाए जी, आज बहुत ही कीमती गिफ्ट है मोबाइल का, जरा चेक करें और अपने एक्सपीरियंस और तस्वीरात बताएं कि कैसा लगा। हस्बैंड तो बड़े सरप्राइजेस दे रहे हैं। ये जरा इसको खोलें, आपको बॉक्स निकाल के देता हूँ। और शवेज भी आ गया, शवेज के साथ आपने मिल के अनबॉक्स करना, ठीक है? अब अनबॉक्सिंग करेंगे शवेज। और इसको आज नोजी नोजी लगी पड़ी है शवेज को। ये ले जी आपके लिए आईफोन का सरप्राइज, 12 प्रो मैक्स आईफोन। आपकी हसरत पूरी होगी कि मुझे आईफोन चाहिए, तो आपके लिए आईफोन आ गया है। चले जी आप इसको ओपन करें, इसकी अनबॉक्सिंग करें। मैंने अनबॉक्सिंग करनी। 1 2 3 मामा का न्यू आईफोन, जबरदस्त। 1 2 वो इसके नीचे है, इसके नीचे आईफोन पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये कुछ करेगा तो ये टूट गया ना, तो मैंने फिर नया नहीं लेके देना। ये तो खाली है, वो नीचे चला गया। थैंक यू हस्बैंड, आप बहुत अच्छे हैं। तो देखा देखा नहीं लग रहा। हाँ ये देखा देखा आईफोन है ये, वैसे पहले आप पहले वाला जो आईफोन यूज करते थे ना, ये वही वाला आईफोन है। हमने इसको कुछ न्यू करवा दिया, इसको बैग चेक करें शवेर, दिखाओ जरा बैग दिखाओ। ये देखें पीछे बटरफ्लाईज आ गई, कितनी खूबसूरत होगी बैग इसकी। और सामने से देखें कितना 0 मीटर न्यू वाला होगा, ये चेक करिए। ये तो पापा ने प्रैंक कर दिया है। नो इट्स नॉट प्रैंक, इट्स जस्ट फन। ऐसे नहीं हुआ, ये तो पुराना ही है। ये देखो पीछे बटरफ्लाईज आ गई, तो न्यू हो गया ना। कॉल कर रहे हो? No. वो कॉल जी बिना, वो देखो कॉल भी एक्साइटेड थी कि मेरे लिए आईफोन लेके आए। आईफोन नया 12 प्रो मैक्स, डब्बे को हाथ लगाना तो नसीब हो गया ना, अब फोन भी आ जाएगा, डब्बा आ गया ना। ये शुक्र है आपने रखा ही दे दिया मुझे। ये आपको चलता हुआ मोबाइल मिल गया, और आपको क्या चाहिए? आपका मोबाइल तो खराब हो गया था, तो आपने नया लेके देना था ना। मैं नया लेने गया था, मैं नया लेने भी लगा था, लेकिन मुझे दुकानदार ने कहा कि नहीं भाई ये सही है, चल जाएगा। आपने कहा वाइफ को कौन देता है? वो देखो वो कितना खुश है, उसकी कॉलें हो रही है, धड़ाधड़ कॉलें हो रही है। ये देखो ये किसको सुना रहे हो? आप जो है ना दिल छोटा ना करें, आपके लिए मैं एक और गिफ्ट लेके आऊँ। आप मोबाइल पकड़े, मैं जरा लेके आता हूँ। एक दफा फिर मजाक करेंगे आप? नहीं मजाक नहीं, अभी लेके ये एक और सरप्राइजिंग गिफ्ट आने वाला है, वो जरा एक्चुअल वाला होगा, उसमें कोई प्रैंक नहीं होने वाला। ये देखें जी ये एक और बॉक्स आ गया, इसमें आपके लिए सरप्राइज है, ये आप देखेंगे तो आपको बाकी सरप्राइज। इसकी अनबॉक्सिंग जो ना मैं खुद करता हूँ। ये देखें आपके लिए कितने मजे के जूते लिए हैं जी, ये चेक करें। उनसे लंदन से आए, बिल्कुल लंदन से ओरिजिनल शूज, उनसे लंदन। आप देखें आपको कैसे लगे। मैं मार्केट से गुजरा था, तो वहां पे चल रही थी सेल, तो मैंने कहा चलें जी मोबाइल तो न्यू नहीं लिया, चले जूते ही न्यू वाले ले जाते हैं, चले काम तो आएंगे ना। चलें तो बड़ा डिफरेंट और बड़ा डिसेंट है इसका। सी ग्रीन है, पता नहीं कौन सा ग्रीन है। चलो मोबाइल नहीं पसंद है तो ये तो जरूर पसंद आएगा। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। वैसे शेप वगैरह कैसी है, हील्स के हिसाब से और शेप के हिसाब से ये कैसा है? कंफर्टेबल है। तो चलें जी इसी खुशी के साथ, इसी सरप्राइज के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दी इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।